25,000 रुपए देने के बाद मिला महादलित परिवारों को आवास योजना का लाभ। सरकार का दावा चाहे जो भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में लूट मची है। मुखिया से लेकर सरकारी मुलाजिम तक चढ़ावे के बगैर लाभुकों को आवास योजना का लाभ नहीं देते हैं। अगर गरीब आवाज ऊंची करे तो उसे अमीर बना देते हैं, मतलब बीपीएल सूची से हटाकर उसका नाम गरीबी रेखा से हटाकर एपीएल सूची में डाल दिया जाता है। सरकार ने इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी कि 2022 तक प्रत्येक गरीब व पात्र व्यक्ति को रहने के लिए पक्का आशियाना उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं गरीब भी यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके सर पर अब पक्की छत होगी, लेकिन सच तो ये है कि आज भी गरीब व पात्र व्यक्ति तो योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही काटने पड़ रहे हैं। कितने पैसा मिल रहा है? हमारे तो कहाँ घटे पैसा, मतलब दिनेश के कितना पैसा मिल रहा है? घटा कितना घुस दे रहा? हम दे हम गई रही अपन कैला साइड कटले कतना 25,000 के कटले मुखिया जी आये है। वार्ड वार्ड कौन वार्ड है के भाई वार्ड बुझात गाँव के वो जो रहे वो जो काटे वाला हमने के ना रहे हमने को हमने गई रही छो है अपन कैला से अपन पैसे के डलन से। अगर गरीबों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है तो काफी मोटी रकम जनप्रतिनिधियों द्वारा लिया भी जा रहा है। दलित बस्ती के लोगों ने क्या कहा है आप सुन ही रहे हैं। किन किन लोगों ने पैसे इन लोगों से आवास देने के नाम पर लिए हैं, मामला उधवंत नगर प्रखंड के एरोड़ा पंचायत के मोरत दलित बस्ती की है, जहां आवास योजना में भारी लूट मची हुई है। इस दलित में करीब 25 आवास पास हुआ है, जिसमें हर एक व्यक्ति से 25,000 रुपए आवास के नाम पर लिए गए हैं। आप ही सोचे गरीबों का घर बनेगा या आशियाना उजड़ेगा। इंदिरा आवास के पैसा मिलल है? 40,000 मिल रहे है। के लेलक है? कहाँ के? सिरापुर के। हाँ, काची कॉलन है। कुछ बड़ा पता होता हमने के पढ़ लिखा बनी हमने के। खाता से पैसा चल गए माने 40,000 मिल तो 25,000 घुस दे देनी। घर कैसे बनी कहनी ना के घर कैसे बनी? हम खाता नहीं बतिया 40,000 120,000 टोटल मिला था। तो कहे देनी है? घर तो कहली ना कि ऐसा घर से रहुआ कहनी ना कैसन तो कहनी ना कैसन घर कैसे बनी। वहीं इस योजना की बात करें तो प्रभावशाली लोग सुविधा शुल्क देकर आवास योजना का लाभ लेते हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं इन लोगों के पास होने के बावजूद भी ये बेचारे अब प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने के लिए गरीब बन गए हैं। मगर गरीब व पात्र व्यक्ति तो अभी भी उक्त योजना में नाम जुड़वाने व लाभ पाने के लिए धक्के ही खा रहा है। इधर कई लोगों ने डीएम डीडीसी एसडीओ बीडीओ से शिकायत करते हुए मामले की जांच करने की भी मांग की है। 15,000 हाथ हमें 25,000 में दो गाड़ी बाली गिरे नहीं जा आप बादल कहा पैसा बाकी काम लागे आई अगर हम पैसा दिलवा देम तारा लोग के तो हमारे के साथ चल बनू गलत मतलब साथ चल 15,000 दिलवा देम तारा लोग के चला हमारे साथ हम अपन गाड़ी से लिया चलम ठीक बा पैसा मानते नहीं कि गरीब के मिल रहा है ठीक बा ये नहीं कि हम चुनाव लड़गो नहीं तो बैठ। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।